course of Saturday. Bully, don't be. Tell him. Go on, little. Yogiji, we all respect you. मदद पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। छोड़िए, कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार, आपने वीडियो देखा होगा कि योगी सरकार ने क्या कहा है, कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं योगी सरकार पर। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन इसके बाद भी फिर ये भ्रष्टाचार इतना क्यों बढ़ रहा है? हर एक भर्ती में भ्रष्टाचार, हर एक काम में भ्रष्टाचार क्यों? UP SSSC की 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 की भर्तियां अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। सभी भर्तियों का यही हाल है। किसी दिन योगी जी रोए थे, आज हमारे प्रदेश का युवा रो रहा है, लेकिन युवाओं के आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो किसके सामने रोएं, किसको अपना दर्द बताएं? क्या योगी सरकार हमारे दर्द को सुनेगी? क्या योगी सरकार हमारे दर्द को समझेगी? है कोई हमारा दर्द सुनने वाला? हम जाएं तो कहां जाएं? किस उम्मीद से जिए कि अगले जन्म में नौकरी मिल जाएगी? प्रदेश का युवा बहुत परेशान है, बेरोजगार यहां वहां भटक रहा है।